मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा क्या कहा मैंने फादर बना है फादर से, यानी कि हमारे फादर के ग्रैंड फादर जो थे वो शेक्सपियर थे। कोरोना के चलते साल 2020 सभी के लिए बहुत बुरा रहा है और इसी के चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री से आए दिन ही कोई ना कोई दुखदाई खबर सामने आ जाती है। पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बहुत सी जानी मानी हस्तियों को खो दिया है और इसी के साथ शोले फिल्म के मशहूर किरदार सूरमा भोपाली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सूरमा भोपाली का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है। ये एक्टर जावेद और नावेद जाफरी के पिता हैं। सूरमा भोपाली के दोस्त प्रोड्यूसर महमूद अली ने बताया कि बांद्रा के घर में रात करीब 8:30 बजे उनकी मौत हो गई। वो ढलती उम्र के चलते हुए बीमारियों से लंबे समय से परेशान चल रहे थे। अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उन्होंने मास्टर मुन्नू के रूप में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में लैला मजनू में काम किया। एक कॉमेडियन के रूप में उन्हें पहचान शम्मी कपूर की फिल्म ब्रह्मचारी से मिली। और रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म शोले में निभाए गए उनके किरदार सूरमा भोपाली ने उनकी शोहरत घर घर तक पहुंचा दी। बेटी क्या हुआ, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? एनआरआई बेटी आई है, कुछ पिज्जा विज्जा मंगवाती है इसके लिए। माँ तेरे हाथ का स्वाद आज भी वैसा है जैसे पहले था, तेरे हाथों में जादू है जादू। ये रहा मेरे स्वाद का साथी वावा ब्रांड मसाले। वावा ब्रांड मसाले, स्वाद जो रह जाए याद। उन्हें जगदीप नाम से भी बुलाया जाता था। जगदीप ने बाद में इसी नाम की एक फिल्म का निर्देश भी किया। उन्होंने करीब 400 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया है। 2012 में वो गली गली चोर फिल्म में पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में नजर आए थे। अपने पसंदीदा हास्य कलाकार को सोशल मीडिया पर फैंस श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग रेस्ट इन पीस ट्रेंड हो रहा है। सूरमा भोपाली के एक फैन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, क्या हास्य कलाकार थे, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, हम आपको दिल से याद करेंगे। हमारे प्यारे सूरमा भोपाली, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जगदीप जी के निधन की खबर अत्यंत दुखदाई है। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ईश्वर उनके घर परिवार और मित्रों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। एक और फैन ने लिखा है, एक और महान अभिनेता चला गया, दशकों तक हमें हंसाने के लिए आपका धन्यवाद जगदीप साहब, आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। मैं विरसा लाइव टीवी की ओर से सूरमा भोपाली जी को श्रद्धांजलि भेंट करती हूँ और दुआ करती हूँ कि भगवान उनके घर परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। धन्यवाद।